भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में पहले दिन अभिनेता आशुतोष राणा और कवि आलोक श्रीवास्तव ने संवाद किया। इस मौके पर अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि बुंदेलखंड में भक्ति, युक्ति और शक्ति का प्रभुत्व है, जिसके चलते नारायण का मन भी रम गया है। जनजातीय संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम की शुरुआत की गई। ये आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। पहले दिन अभिनेता आशुतोष राणा, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पद्मश्री अवध किशोर जड़िया, पद्मश्री राम सहाय पांडे और LNCT के चांसलर JN चौकसे मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी का स्वागत बुंदेली नृत्य राई के साथ किया गया, जिसमें बुंदेली परिधान में सभी कलाकार नजर आए। बुंदेलखंड को आप बता दें, बुंदेलखंड का इतिहास बहुत पुराना है। 300 ईसा पूर्व की बात है। 300 ईसा पूर्व से बुंदेलखंड का इतिहास माना जाता है। चंदेल वंश को हराकर बुंदेली राजपूतों ने बुंदेलखंड को जीता था, जभी से इसका नाम बुंदेलखंड पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम का आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है जो मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम हुआ रहा है। इसमें बड़े बड़े नेता और सब बुंदेलखंड से संबंधित लोग आए हुए हैं। हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं जो राजनीति करते हैं। आपको दिखाएंगे कैसे ये क्या होता है राजनीति में। हाँ, राजनीति में वो ये होता है कि हम सब लोग गाते हैं, बजाते हैं और जनता मनोरंजन लेती है। इसकी विशेषता क्या है राजनीति की? बुंदेलखंड का अच्छा खासा ये माना जाता है नृत्य। हाँ, ये बुंदेलखंड का ये नृत्य तो बहुत सा मतलब बहुत पहले से चल रहा है, वो चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा कभी। जो आपने ड्रेसेस पहनी है, जो परिधान पहना है, उसको क्या कहते हैं? और इसको जो ड्रेस ही बोलते हैं वो क्या? और ये घोड़े के साथ ये राजनीति होता है और गोल गोल डांस करते हैं। एक बार करके दिखाएंगे। हाँ हाँ, करके दिखाएंगे आपको। जो हम इनके साथ देखेंगे राजनीति को, एक बार देखते हैं। चलिए हम कुछ और बात करते हैं। आपने ये वाद्य यंत्र कुछ लिया है, इस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? इस बाजे का नाम है रमतूला, जो पुराने परंपरा से चली आई है अपने महाभारत मानव में, वो चीज़ है जो रमतूला। अच्छा, हम और लोगों से बात करेंगे। आप भी ये रमतूला ही बोलते हैं इसको? रमतूला ही बोलते हैं। कैसे बजाते हैं, इसमें कुछ बताएंगे? चलिए हम और भी बात करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि ये राई नृत्य की विशेषता क्या है? हाँ, हम राई गाते हैं, राई बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। अब भी छोर कम बच्चा है दैया। गढ़ा कोटा और ये सागर जिले में हाँ, जो बुंदेलखंड का रीजन आता है, उसमें राई को तो बहुत महत्व दिया गया है। हाँ, राई का महत्व। तो राई सुना गए? हाँ, राई है जी। ये मैं पकड़ो, छोड़ा दे। अरे गुरु बिन रे, अरे मेले हे ने रे ज्ञान, सोरे खो सुमर हैं सो मेले हैं सारे दा। हमारे साथ इसको जो आप ये वाद्य यंत्र, इसको क्या बोलते हैं बुंदेलखंडी में? बुंदेलखंडी में टिमकी बोलते हैं इसको, लंगड़ैया। लंगड़ैया, इसके जो आपके गाने होते हैं राई के, उसके साथ इसको बजाया जाता है। हाँ, उसके साथ ताल, ताल के साथ ताल। हाँ, मृदंग बजती है इसके साथ में, ढोलक बजता है, झूला, तार, मंजीरा, ये सब सभी। राई नृत्य का विशेष महत्व है, इसमें महिलाएं भी रहती हैं। जो महिलाएं गोल गोल घूमकर, हम लोग ज़्यादा नहीं समझते, बुंदेलखंड की ये परिधान रहता है, उसमें गोल गोल घूमकर डांस किया जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो डांस के लिए अच्छा खासा, वो बुंदेलखंड में जो राई नृत्य जिसको बोलते हैं ओरिजिनल, उसमें डांस करते हैं। आपका नाम? जलधारा। अच्छा, ये राई नृत्य के बारे में कुछ बताएंगी?
राई नृत्य है, इस फेमस है, शुरू से चली आई है। इसमें क्या विशेषता है, महिलाएं जैसे गोल गोल घूमते हैं तो इसको डांस नृत्य कार्यक्रम बोलते हैं। तो ये कितनी देर तक का होता है किसी पर्टिकुलर गाने पे? एक घंटे का भी हो जाता है, दो घंटे का भी हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ राय नृत्य करने वाली महिला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये राय नृत्य है जो समय से बाधित नहीं रहता है, घंटों आधे घंटे जैसे जैसे सॉन्ग रहता है, जैसे जैसे गीत गाए जाते हैं उस आधार पर राय नृत्य होता है। ये बुंदेली कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, आप भी आएँ और इसका लुत्फ उठाएँ। कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। बुंदेली समागम में बुंदेलखंड इतिहास के साथ वहां के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को कार्यक्रम के लिए बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सचिन चौधरी ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें बुंदेलखंड की विशेषता की झलक दिखाई जाएगी। बुंदेली बौछार इसका नाम दिया गया और मुझे बड़ी खुशी है। मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि जो हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, जो पश्चिमी संस्कृति का, पश्चिमी सभ्यता का, उस बौछार को रोकने में बुंदेली बौछार कामयाब हो, यही शुभकामना मेरी। के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम का आज उद्घाटन था, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों में इसके कारण से एक नई जागरूकता भी आएगी और बुंदेलखंड के क्षेत्र को और अवसर मिलेंगे और इसके माध्यम से एक अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के लोगों का भी जब मिलना होगा, यहाँ आएंगे तो प्रतिभाएं भी निखरने का जो प्रयास होगा, जैसे आज एक प्रतिभा को सम्मानित किया, तो मुझे लगता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक अच्छा कदम और अच्छा प्रयास शुरू किया। 3 दिन का अद्भुत कार्यक्रम आज शुभारम्भ हुआ है और इसके साथ ही 3 दिनों तक एक से एक शानदार कार्यक्रम है। बुंदेली लोक रंग कला संस्कृति व्यंजन महोत्सव है, सारे लोग आमंत्रित हैं और आज तो बहुत अच्छी जो है शुरुआत हुई है। 3 दिन तक बहुत जम के बुंदेली लोक कला संस्कृति के, बुंदेली के जो अच्छे अद्भुत लोग हैं उन सब से एक साथ मिलकर बैठेंगे, बताएंगे और संस्कृति की बातें करेंगे। बुंदेली बौछार के सौजन्य से जो ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम का कार्यक्रम किया गया है, ये अपने एक विशेष पहचान बनाएगा और देश में बुंदेली भाषा और संस्कृति को एक अपनी एक स्थिति देगा जो बुंदेली को पूरे देश में स्थापित करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।